गाइस आज हम फिर से आपके लिए आए हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग मार्केट तो जरूर जाते होंगे और सामान लेते समय एक्सपायरी डेट भी जरूर चेक करते होंगे, लेकिन आप यह जानते हो वो एक्सपायरी डेट पैकिंग की होती है या फिर पैकिंग के अंदर जो सामान है उसकी होती है? आप लोग कभी ना कभी तो कार खरीदने जरूर गए होंगे, लेकिन आपने एक चीज सोची है, जब हम कार खरीद लेते हैं तो हमारी एक बड़ी सी चाबी के साथ फोटो क्यों क्लिक की जाती है? आप सभी ने चूहे तो जरूर देखे होंगे, लेकिन आप एक चीज जानते हो, चूहे खाने की चीजों के साथ साथ बाकी चीजों को क्यों कुतरता है जबकि उसमें कोई खाने की चीज नहीं होती है? या फिर आप यह जानते हो ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे ज्यादा पिज्जा खाए जाते हैं? जी गाइस, ऐसा भी एक देश है। गाइस आप लोग कुरकुरे तो खाते होंगे, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कुरकुरे प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, लेकिन आप लोग जानते हो कुरकुरे किस चीज से बनाए जाते हैं? हमारे यहाँ एक ऐसी कंपनी है जो बिना डिग्री के जॉब देती है, क्या आप जानते हैं? लेकिन उसके लिए हुनर टैलेंट होना जरूरी है तो आपकी जॉब लग सकती है। आजकल मोदी जी को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, लेकिन आपको यह पता है मोदी जी ने सबसे बड़ा भाषण कब दिया था और सबसे छोटा भाषण कब दिया था? यह सारी चीजें जा रही है वीडियो के लास्ट में, तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। फैक्ट नंबर 1, गाइज आप सभी सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट तो जरूर देखते होंगे, लेकिन आपको यह पता है वो एक्सपायरी डेट पैकिंग की होती है या फिर पैकिंग के अंदर सामान की? ज्यादातर एक्सपायरी डेट पैकिंग के अंदर सामान की होती है, लेकिन कुछ कुछ चीजें पैकिंग की एक्सपायरी डेट होती है, जैसे कि नमक सालों से हिमालय पर और समुद्र के अंदर पाया जाता है लेकिन वो एक्सपायर नहीं होता है, पर पैकिंग होने के बाद वो एक्सपायर क्यों हो जाता है? क्योंकि एक्सपायरी डेट नमक की नहीं पैकिंग की होती है, तो पैकिंग खराब होने से जो भी उसके अंदर सामान है वो भी खराब हो जाता है। फैक्ट नंबर 2, अक्सर आप लोग कार खरीदने जाते हो तो आपको बड़ी चाबी क्यों दी जाती है? क्योंकि जब हम कार खरीद लेते हैं तो छोटी चाबी देते हुए अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बड़ी चाबी के साथ फोटो क्लिक और सम्मानित किया जाता है। इससे कस्टमर को भी अच्छा लगता है और इस फोटो को कस्टमर सोशल मीडिया पर छोड़ता है, जिससे कि कंपनी का फ्री में एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। फैक्ट नंबर 3, आपने घरों में तो चूहे देखे होंगे, लेकिन आप लोग एक चीज जानते हो, चूहे खाने की चीजों के साथ साथ बाकी चीजें क्यों कुतरता है? आप लोग समझते होंगे कि वो भूख के कारण कुतरता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि चूहे के दांत उम्र भर बढ़ते रहते हैं, उनको छोटा करने के लिए वो बाकी चीजों को कुतरता है जिससे वो अपने दांतों को मेंटेन कर सके। फैक्ट नंबर 4, किस देश में सबसे ज्यादा पिज्जा खाया जाता है, क्या आप जानते हैं? गाइस सबसे ज्यादा पिज्जा अमेरिका में खाया जाता है। फैक्ट नंबर 5, आप लोग कुरकुरे तो खाते हो, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं कि कुरकुरे प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, क्या आप जानते हो कुरकुरे किस चीज बनाए जाते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। पहले चावल और गेहूं को पीसा जाता है, फिर उसे मशीन में गेर कर कुरकुरे की शेप में काट दिया जाता है, फिर कुरकुरे को फ्राई किया जाता है और फिर कुरकुरे में फ्लेवर डाल दिए जाते हैं और फिर पैकिंग के लिए आगे भेज दिए जाते हैं। अब बात आती है कुरकुरे प्लास्टिक से बनते हैं क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब कुरकुरे को जलाया जाता है तो आसानी से जल जाता है, उसकी वजह से हमको लगता है कुरकुरे प्लास्टिक से बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कुरकुरे बनते समय बिल्कुल सूख जाते हैं जिसकी वजह से वो जलने लगते हैं। अगर आप पापड़ जैसी चीज को भी जलाएंगे तो वो भी जलने लगेगी। फैक्ट नंबर 6, गाइज गूगल ही एक ऐसी कंपनी है जो बिना डिग्री के जॉब देता है, क्योंकि गूगल में टैलेंटेड लोगों का ही काम होता है, इसलिए गूगल बिना डिग्री के भी टैलेंटेड लोगों को जॉब दे देता है। फैक्ट नंबर 7, आप लोग मोदी जी के भाषण तो सुनते होंगे, लेकिन आप लोग यह जानते हो कि मोदी जी ने सबसे बड़ा भाषण कब दिया था? मोदी जी ने 2016 में 94 मिनट का सबसे बड़ा भाषण दिया था और उन्होंने 2017 में 56 मिनट का सबसे छोटा भाषण दिया था। अगर आपने फैक्ट सुन रखे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ मजेदार बातों के साथ।